मैंने अपील की कि पुलिस वालों की डिमांड्स जायज हैं, उनको उनकी ग्रेड पे मिलनी चाहिए। आज गुजरात के अंदर सबसे कम तनख्वाह, पूरे देश में गुजरात में सबसे कम तनख्वाह पुलिस वालों को मिल रही है। मेरे अपील करने के बाद गुजरात सरकार ने उनकी ग्रेड पे की डिमांड तो नहीं मानी, लेकिन चुनाव को देखते हुए उन्होंने थोड़े से भत्ते बढ़ा दिए। लेकिन वो भी अब लगता है उनकी मंशा ठीक नहीं है। अब जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला उसका, तो उसमें मैंने सुना है कि उन्होंने शर्तें लगा दी हैं कि आपको ये साइन करके देना पड़ेगा कि आप ये मिलने के बाद कोर्ट में केस नहीं कर सकते। क्या क्या शर्तें हैं सर? कई अंडरटेकिंग मांगी गई, आंदोलन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, बीम वो नहीं कर सकते, ग्रेड पे की मांग नहीं कर सकते। ये तो संविधान के खिलाफ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, विरोध करने का राइट दिया गया है। आप इस तरह से बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते अपने पुलिस कर्मियों को। तो मैं पुलिस कर्मियों को सबको बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं है, किसी को अंडरटेकिंग देने की जरूरत नहीं है, कोई पुलिस वाला अंडरटेकिंग ना दे इनको। 3 महीने रह गए हैं, इनकी सरकार जा रही है, इनका घमंड टूटने वाला है, और 3 महीने के बाद जब हमारी सरकार आएगी हम आपको ग्रेड पे भी देंगे और हम आपसे किसी भी तरह की कोई शर्त वो मांगेंगे। सुरक्षा एजेंसी कितने भी है, इसकी भी यही समस्या है। सभी की, गुजरात सरकार में जितने कर्मचारी हैं सभी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? इनके अहंकार की वजह से। अगर सरकार का कर्मचारी दुखी होगा तो सरकार की योजनाएं लागू कैसे होंगी? टीचर्स दुखी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी दुखी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर दुखी हैं, आशा वर्कर्स दुखी हैं, होमगार्ड्स दुखी हैं, 108 नंबर वाले कर्मचारी दुखी हैं, चिकित्सा कर्मचारी दुखी हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी दुखी हैं, सब दुखी हैं, ग्राम रक्षक दल दुखी हैं, VC जो गांव-गांव के अंदर है वो दुखी हैं। इन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी उसके पहले दिल्ली सरकार के अंदर भी कई सारे शीला दीक्षित जी के टाइम पे धरने लगे रहते थे कर्मचारियों के, आके हमने सबके मुद्दे सुलझाए। आप सबकी डिमांड्स मान लीजिए, खर्चा बहुत कम होता है, और अगर आपका कर्मचारी सुखी होगा तो आपका दौड़ दौड़ के आपके काम करेगा ना। तो 3 महीने रह गए, सभी कर्मचारियों को, गुजरात सरकार के सभी कर्मचारियों को मैं अपील करना चाहता हूँ, खूब जम के प्रचार कीजिए आम आदमी पार्टी का, खूब जम के प्रचार कीजिए, मिलके सब लोग आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए, रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जिताइए। आपके सबके काम करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे को आज बहुत अच्छा लगा द्वारकाधीश में।